नमस्ते बच्चों इस वीडियो में हम क्लास फाइव का मैथ का लेसन नंबर जो थर्ड है हाउ मेनी स्क्वेयर्स इसके दो तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट थिंग वी शुड लर्न अबाउट फाइंड द पेरिमिटर ऑफ अ फिगर ड्रॉन ऑन वन सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्रिड फाइंड द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड Find the area of figure on one centimeter square grid. So first we should find the perimeter of figure of the drawn in the on the one centimeter square grid. So all of you watch this movie, watch this video carefully at least two to three times then you get the complete idea about the uh, all three concepts. I have given some homework also. Where you should try to solve the homework, and without any doubt, without any hesitation, if you were to solve the numerical homework, it means that you are understand, able to solve any such type of questions, and you understand the concept clearly. So, watch this video completely, and uh, like it, share it, and subscribe the channel. बच्चों ध्यान दो यहाँ पर करना क्या है वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर साइड ऑफ वन इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वेयर ऑफ अ ग्रेड इज वन सेंटीमीटर यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिएगा और क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर इज वन सेंटीमीटर इसका मतलब है यहाँ जो एक एक स्क्वायर दिया है उस स्क्वायर की ईच साइड हर एक साइड एक, एक सेंटीमीटर की है तो हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा हम क्या करते हैं बच्चों उसी के लिए हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे काउंट करने के लिए एंड पूरी बॉर्डर काउंट करेंगे बिकॉज पेरीमीटर इज नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ आउटलाइन देन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड काउंट द बॉन्ड्री

कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सो देरी मीटर ऑफ दिस फिगर इज़ ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इज इट इजी या इट वेरी इजी वन बहुत आसान है बच्चों इस तरह की फिगर आपको दी जाती है तो उसकी बस आउटलाइन आपको मेजर करना है हर एक स्क्वायर की जो लेंथ है वो वन सेंटीमीटर है और ये बहुत ही आसान तरीका है कैलकुलेट करने का कम टू थर्ड एग्जाम्पल वे क्या स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर जस्ट आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड सो इस पेरीमीटर इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड वन थिंग यू शुड नोटिस दैट डोंट काउंट द इनर साइड बिकॉज दिस नॉट इंक्लूडेड इन द बाउंड्री अंदर वाले साइड से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों क्योंकि ये बाउंड्री में नहीं आता हमें सिर्फ बाउंड्री कैलकुलेट काउंट करनी है कैलकुलेट भी नहीं करनी सिर्फ बाउंड्री काउंट करनी है ये आपका होमवर्क है तो यू शुड कैलकुलेट द पेरीमीटर मीटर आपको क्या कैलकुलेट करेंगे इसकी पेरीमीटर ठीक है यू शुड कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, इट इज़ वेरी इजी वन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स एंड दैट इज दैट इज आंसर ओके which we are going to learn in this video that is find the length of missing side find the length of missing side बच्चों इस point में हम ये देखने वाले हैं एक figure होगी figure की perimeter आपको दी गई होगी और एक side missing होगी मतलब एक side की length आपको पता नहीं होगी calculate करनी पड़ेगी चलिए उसके दो तीन एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो कंसेप्ट एकदम क्लियर आपको हो जाएगा बच्चों ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके लिए एकदम इजी कंसेप्ट है और इजी आपको ये भी है क्या कंसेप्ट है देख लीजिएगा आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यू कैन कॉक आउट एनी तीन साइड इसकी पेरीमीटर आपको दी है अब इसका पहले में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मिसिंग साइड लेंथ ऑफ मिसिंग साइड तो इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों पेरीमीटर पेरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स, क्या क्या करना है आपको लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ ऑल द साइड चलिए उस फिगर को यूज करते हैं फिगर का यूज़ करेंगे फार्मूला यूज़ करेंगे तो मैं जो हमारी साइड है क्या साइड का नाम है एम जेड है ना एम जेड इज इक्वल टू एम जेड दिस इज द साइड विच लेंथ इज मिसिंग इज नॉट गिवन एम जेड इज इक्वल टू पेरी ट्वेंटी नाइन आर फार्मूला से पेरीमीटर ट्वेंटी नाइन माइनस एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स यहाँ पर हमें सभी साइड का एडिशन करना है विच टू साइड्स आर रिमेनिंग इलेवन प्लस एट इलेवन प्लस एट एंड देन डू द रिमेनिंग कैलकुलेशन ट्वेंटी माइनस इलेवन प्लस एट नाइनटीन एंड सो ट्वेंटी नाइन माइनस नाइन्टीन टेन सेंटीमीटर एंड सो लेंथ ऑफ एम जेड इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर यू जस्ट राइट इट

इसको नंबर ना, नाम देंगे हम ए बी सी डी एंड बीच में देते हैं ई विच साइड इज मिसिंग डी सी सो यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड डी सी डी सी को आपको दिया है पेरीमीटर इज गिवन टू यू वॉट इज द फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मिसिंग साइड सिंग साइड इज एकवल टू पीरीमीटर पीरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द साइड एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ये इसका फॉर्मूला हो गया पेरी क्या है इसकी पेरी मीटर्स फोर्टी ओके यस ब्रैकेट ब्रैकेट में हम साइड का एडिशन करेंगे कितने साइड्स हैं एलेवन प्लस फिफ्टीन थ्री प्लस थ्री सबको ऐड करेंगे एलेवन प्लस फिफ्टीन प्लस थ्री प्लस थ्री सबको फोर्टी माइनस एलेवन प्लस फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री ट्वेंटी नाइन प्लस थ्री थर्टी टू दोबारा एक बार कर लेते हैं बच्चों फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री ट्वेंटी नाइन प्लस थ्री थर्टी टू एंड योर फाइनल आंसर इज़ एट सेंटीमीटर फाइनल आंसर इज दिस मिसिंग साइड इज़ एट सेंटीमीटर फॉर्मूला याद रखिएगा मैं बार बार बता रहा हूँ फार्मूला अगर आपको एक बार याद हो गया तो ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है

आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे लेंथ ऑफ मिसिंग साइड लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर शॉर्टकट मारूंगा मैं माइनस लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स डोंट यूज शॉर्टकट्स इन द एग्जाम डोंट राइट शॉर्टकट्स इन द एग्जाम एग्जाम में आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे पूरा लिखोगे मैंने थोड़ा स्पेस बचाने के लिए ऐसा किया है पेरी यहां यहाँ पर है ट्वेंटी थ्री हम यहाँ ट्वेंटी थ्री लिखेंगे माइनस लिखेंगे अब ब्रैकेट में हम बाकी साइड्स को प्लस करेंगे सेवन टू टू सेवन थ्री कितने साइड है हमारे पास सेवन टू टू सेवन थ्री सेवन सेवन टू टू सेवन थ्री इतने साइड थे हमारे पास देखिए सेवन टू टू सेवन थ्री सेवन टू टू सेवन थ्री इतने साइड को हमें प्लस करना है चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी थ्री माइनस सेवन प्लस टू सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस टू इलेवन एलेवन प्लस सेवन एटीन एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन एंड द फाइनल आंसर इज टू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द साइड ई डी लेंथ ऑफ द साइड ई डी इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं ई डी इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर क्लियर कंसेप्ट समझ में आया आपको बच्चों क्या किया हमने क्या किया हमने यहाँ पर पहले पहले हमने क्या किया लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ ऑल द साइड फॉर्मूला लिखा फिर पेरीमीटर लिखा माइनस लिखा सारे साइड्स लिखे ऐड कर दिया और पेरेमीटर से माइनस किया यू गेट द आंसर सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट बच्चों अभी हम चलेंगे कंसेप्ट तीसरी को फाइंड द एरिया ऑफ फिगर ऑन वन सेंटीमीटर इक्वेड ऐसी फिगर बनाई गई है वो है वन सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्रिड पर फिगर किस पे बनाई गई है वन सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्रीड पर और उस फिगर में आपको उस फिगर की फिगर का जो एरिया है उसको आपको कैलकुलेट करना है चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पर बहुत सारी फिगर्स हैं हम एक एक का एरिया कैलकुलेट करेंगे मैं अभी ए ए फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा ठीक है ध्यान दीजिएगा ए फिगर का एरिया कितना है यहाँ पे कंसेप्ट ये है बच्चों ये जो फिगर है ना इसका एरिया वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर स्क्वेयर या वन स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है द एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर और वन स्क्वायर सेंटीमीटर सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको यहाँ एक ही काम करना है कि कितने स्क्वेयर हैं उसको कैलकुलेट करना है काउंट करना है कैलकुलेट कहाँ करना है यहां बस आपको नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वेयर काउंट करने हैं। काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बस हो गया आपका आंसर था इसका इस आंसर इज नाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एरिया है नाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर अब इस फिगर का हम देखते हैं बस काउंट करिए बी फिगर का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो बी फिगर का जो एरिया है वो है एट सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे कैलकुलेट किया बस काउंट किया यहाँ फिगर में हमें ये देखना है कि वो फिगर कितने स्क्वायर में बनी है ये फिगर कितने स्क्वायर में बनी है उसको हमें काउंट करना है बस कम टू द फिगर सी सी फिगर में आएंगे. चले काउंट करिए कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बस तो इसका आंसर मिल गया आपको फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर कम टू दिस फिगर नेक्स्ट फिगर वन फिगर नंबर डी काउंट जस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर ओनली नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर वेरी इजी पार्ट ऑफ दिस लेसन सबसे आसान पार्ट है ये चलिए नेक्स्ट फिगर में आएंगे हम कल काउंट करने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड आंसर इज फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर कम टू द लास्ट फिगर इट इज़ वेरी इजी वन टू कैलकुलेट इट जस्ट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री जो फिफ्टीन एंड आंसर इज फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर सो इन सच फिगर यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर। बच्चों ऐसे फिगर में सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया एक स्क्वायर का एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दो का दो सेंटीमीटर तीन का तीन सेंटीमीटर चार का चार सेंटीमीटर इट मीन दू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्र यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्र आंसर इट वेरी इजी कंसेप्टन बच्चों अब जो हम देखने वाले हैं इस फिगर को ध्यान से देखिएगा अगर मैं आपको कहूँगा कि आप टोटल एरिया कैलकुलेट करो बहुत आसान है कैसे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर आप बोलोगे सर इस फिगर का टोटल एरिया है सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है इसका एरिया सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर मैं इसको छोटा कर देता हूँ सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन मैंने कहा कि आधे पार्ट का कितना है हाफ पार्ट का कितना है तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे टोटल फे कंप्लीट स्क्वायर स्क्वेयर फर्स्ट वी शुड काउंट द कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वेयर कितने हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आया समझ में तो कंप्लीट स्क्वेयर पहले कैलकुलेट करो सिक्स ठीक है अब हाफ वाले एक दो तीन चार है ना हाफ वाले कितने स्क्वेयर है चार तो चार का आधा करो है ना टोटल कितने हो गए चार देखिए ये तो चार हो गए तो चार का आधा करेंगे तो क्या आएगा दो और टोटल आंसर आएगा एट लेकिन उसको लिखेंगे कैसे मैं बताता हूँ आपको कंप्लीट स्क्वायर टोटल मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए टोटल कंप्लीट टोटल कंप्लीट स्क्वेयर्स इज इक्वल टू सिक्स उसके बाद टोटल हाफ स्क्वेयर्स इज इक्वल टू फोर लेकिन हमें दोनों का ऐड नहीं करना क्योंकि हाफ स्क्वायर है ये क्या है हाफ़ स्क्वायर है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा आधा और ये आंसर आ जाता है टू फिर इन दोनों का हमें प्लस करना है एंड देयरफॉर फोर टोटल एरिया ऑफ हाफ फिगर टोटल एरिया ऑफ हाफ फिगर इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर टोटल एरिया ऑफ हाफ फिगर इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर स्क्वेयर कैसे किया हमने बच्चों पहले हमने जिसका एरिया एक सेंटीमीटर है ऐसे क्या किया ऐसे स्क्वायर लिखे फिर जिनका एरिया आधा है ऐसे स्क्वायर लिखे तो वो जो क्योंकि आधा एरिया था इसके लिए उसको आधा किया और लास्ट में ऐड किया चलिए अब एक ये नहीं ये नहीं उम्रिकल थोड़ा हम समझ लेते हैं अब एक शेडेड पोर्शन है और अनशेडेड पोर्शन है तो हमें शेडेड पोर्शन का भी एरिया फाइंड आउट करना है और अनशेडेड का भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कंप्लीट स्क्वायर। पहले हम क्या लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर मैं टी लिख रहा हूँ टोटल कंप्लीट स्क्वायर काउंट करते बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो वो है ट्वेल्थ मतलब बारह है काउंट किए हमने वो आ रहे हैं बारह थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ तो ये आंसर बारह कंप्लीट स्क्वेयर बारह आ गया अब हमें क्या करना है हाफ या मोर देन हाफ कैलकुलेट करना है तो यहाँ देखेंगे तो ये तो मोर देन हाफ है इसकी बात करेंगे ये लेस देन हाफ है छोड़ देंगे लेस देन हाफ छोड़ देंगे हाफ है तो हाफ़ कैलकुलेट करेंगे मोर देन हाफ है तो वन काउंट करेंगे तो ये मोर देन हाफ है ये लेस देन हाफ छोड़ देंगे मोर देन हाफ लेंगे तो मोर देन हाफ टोटल स्क्वेयर्स मोर देन हाफ मोर देन हाफ इज इक्वल टू टू एंड सो टोटल आंसर इज फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर दिस इज द एरिया ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अब अनशेडेड में क्या होगा अनशेडेड में अनशेडेड में क्या होगा काउंट करते हैं दो तो टोटल हैं और मोर देन हाफ ये है मोर देन हाफ ये है तो इसका एरिया हो गया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर मैं रूल एक बार लिख के देता हूँ आपको करना क्या है देखो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है एक टोटल स्क्वायर्स टोटल स्क्र्स काउंट करो दूसरा टोटल मोर देन हाफ अगर है तो टोटल मोर देन हाफ उसको काउंट करना है इसको इक्वल टू कंप्लीट स्क्वेयर धरना है इक्वल टू कंप्लीट स्क्वेयर इक्वल टू कंप्लीट स्क्वेयर इसको इक्वल टू कंप्लीट स्क्वेयर धरना है और तीसरी चीज़ आपको पकड़नी है हाफ हाफ को तो हाफ ही लेना पड़ेगा एंड लेस देन हाफ लेस देन हाफ छोड़ देना है डोंट काउंट आप क्या करेंगे ये जो लेस देन हाफ है इसको काउंट नहीं करेंगे टोटल करेंगे टोटल स्क्वायर मोर देन हाफ हाफ अगर हाफ करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हाफ करना है क्या कह रहा हूँ मैं देखिए अब एक देखिए टोटल कंप्लीट स्क्वेयर आए दो टोटल मोर देन हाफ आए दो एंड टोटल हाफ आए चार क्या कहा मैंने टोटल कंप्लीट स्क्वेयर आए दो टोटल मोर देन हाफ स्क्वेयर आए दो टोटल हाफ स्क्वेयर आए फोर तो अब जब प्लस करेंगे ना इन दोनों को प्लस करके फोर लेना है और ये जो हाफ वाला है ना हाफ वाला तो इसको डिवाइड बाय टू करके आंसर टू आएगा टोटल फिगर आंसर आएगा आया समझ में आपको टोटल कंप्लीट स्क्वायर दो अभी एक फिगर लेते हैं ये फिगर में हमने ऐसे किया था ये वाली फिगर में टोटल कंप्लीट स्क्वायर हमने यह यहाँ लिए थे टोटल स्क्वायर मोर देन हाफ इसको यहाँ लिए थे हाफ वाले यहाँ नहीं थे ही नहीं, नहीं इसलिए छोड़ दिए और लेस देन हाफ भी हमने छोड़ दिया लेस देन हाफ छोड़ देना है और इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है तो अनशेडेड का एरिया था फोर सेंटीमीटर शेडेड का एरिया था फोर्टीन सेंटीमीटर अब और एक फिगर हम देख लेंगे ये वाली फिगर ध्यान से देखिएगा फिगर को अब हमें शेडेड और अनशेडेड पार्ट कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल स्क्वेयर्स टोटल स्क्वेयर्स ऑफ शेडेड है ना टोटल स्क्वेयर कितने हैं चले काउंट करते हैं वन ये इसको छोड़ देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ये भी नहीं तो ये हो गए हमारे टोटल हो गए फोर्टी अब हमें दूसरा क्या कैलकुलेट करना था टोटल स्क्वेयर्स ऑफ मोर देन हाफ मोर देन हाफ से ज्यादा कितने हैं चलो देखते हैं फिगर में मोर देन हाफ ये मोर देन हाफ है ये मोर देन हाफ है तो दो हो गए ये दोनों मोर देन हाफ है तो चार ये भी ज्यादा है पांच एक है छ सात आठ तो आठ मोर देन हाफ है अब एग्जैक्ट हाफ टोटल हाफ स्क्वेयर्स टोटल हाफ स्क्वायर, देखते कुछ है भी क्या ये हाफ़ नहीं है ये भी हाफ़ नहीं तो लेस देन हाफ था मोर देन हाफ काउंट कर लिया ये हाफ़ एक भी नहीं इसमें या तो लेस देन हाफ है मोर देन हाफ है लेस देन हाफ छोड़ देंगे हम लेस देन हाफ छोड़ देंगे लेस देन हाफ छोड़ देंगे, देंगे। यहाँ कोई भी नहीं है तो इसका टोटल आंसर आ गया हमारा ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ये आया हमारा शेडेड पार्ट का सारा है शेडेड पार्ट का सेम हम करेंगे अनशेडेड पार्ट सेम बच्चों सेम लिखना कुछ भी अंदर नहीं करना इसमें टोटल स्क्वेयर्स ऑफ अनशेडेड पार्ट टोटल स्क्वेयर्स ऑफ अनशेडेड पार्ट्स पार्ट, पार्ट इज इक्वल टू चल काउंट करते हैं अनश पार्ट का टोटल स्क्वायर कितने हैं एक दो तीन चार पाँच ये भी नहीं आ रहा है सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन बस तो ये हो गया एलेवन हम यहाँ लिखेंगे एलेवन अभी नेक्स्ट टोटल स्क्वे ऑफ टोटल अन स्क्वे ऑफ टोटल स्क्वेयर टोटल मोर देन हाफ स्क्वेयर्स टोटल मोर देन हाफ स्क्वेयर्स ऑफ अनशेडेड पार्ट अनशेडेड पार्ट्स इज़ एकवल टू चलिए काम करते हैं मोर देन हाफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम काउंट करें सॉरी वन टू थ्री ये नहीं ये नहीं फोर ये नहीं ये फाइव उसके बाद सिक्स सेवन एट ये नहीं एट और इधर एक नाइन तो टोटल बच्चों इसमें नाइन आ गए तो लेस देन आप तो हम छोड़ ही देंगे लेस देन आपको पकड़ना ही नहीं है तो टोटल एरिया कितना हो गया तो हमारा फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, पार्ट एलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चों समझ में इस तरह से आपको ऐसे फिगर में लेस देन हाफ़ छोड़ देना है हाफ़ काउंट करना है लेकिन उसका हाफ़ करना है मोर देन हाफ़ को वन काउंट करना है कंप्लीट है उसको तो काउंट करना ही है तो चलिए बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा